नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है, खासकर सत्ताधारी दल के खेमे में यह हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी भले ही ये लाख दावे कर ले कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ तो जिसे दुरुस्त करने में बीजेपी पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। बीएल संतोष 21 और 22 जून को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में रहेंगे। क्या है इनके मायने, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके इतर क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कृष्ण के नाम पर दाव चलती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के सोशल मीडिया पेज से जारी एक कैंप सॉन्ग में कहा गया कि मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राम मंदिर के जवाब में अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में कृष्ण के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन को धार देने में जुट गई है। राज्य में संगठन को मजबूत करने पर दिल्ली में बीजेपी की एक बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में कई बातों पर सहमति बनी है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले सारी कमियों को दुरुस्त कर लिया जाए। तभी कभी दिल्ली से बड़ा नेता लखनऊ आता है या फिर यूपी से किसी बड़े नेता को दिल्ली में तलब किया जाता है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। बीएल संतोष 21 और 22 जून को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की रणनीति बनाएंगे। इससे पहले बीएल संतोष 31 मई को 3 दिवसीय दौरे के लिए लखनऊ आए थे। विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गज नेताओं का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने यह कदम उठाया है। माना जा रहा है कि ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने जितिन को अपने पाले में खींचा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीते कई दिनों से भारी उठापटक दिखाई दे रही है। दिग्गज नेताओं की चुनाव के मद्देनजर नींद उड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी हर हाल में यूपी के चुनाव में अपने झंडे गाड़ना चाहती है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की हुई फजीहत कहीं ना कहीं चुनाव पर असर जरूर डालेगी, इसलिए भी सरकार थोड़ा चिंतित दिखाई दे रही है। इन चिंताओं के बीच बीजेपी लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही है, लेकिन इन बैठकों का नतीजा बीजेपी के फेवर में आता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो यूपी में बीजेपी संगठन और सरकार की थाह लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष फिर लखनऊ आ रहे हैं, यानी कि जमीन तलाशने की कोशिश जो है एक बार फिर से की जाएगी, जिसमें बीएल संतोष ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर वो कितने ज्यादा मजबूत है, यानी कि सरकार और संगठन को लेकर एक बार फिर जमीन तलाशने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। 21 और 22 जून को प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और पता करेंगे कि पिछले दौर में उन्हें जितना होमवर्क दिया था उस पर कितना काम हुआ है। तो बीएल संतोष का ये इस महीने में दूसरा दौरा है जो काफी अहम माना जा रहा है। तो लगातार दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली जाने की जो ये कवायद है वो लगातार जा रही है। स्वतंत्र देव सिंह अभी दिल्ली होकर आए थे और अब बीएल संतोष जो है वो दिल्ली से लखनऊ आएंगे। और पिछली बार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो होमवर्क देके गए थे तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, उस पर मंथन करेंगे कि क्या वो होमवर्क हो पाया है, क्योंकि सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का चुनाव।
जो दिल्ली की गद्दी तक का एक रास्ता तय करता है और बहुत अहम रास्ता है, तो उसमें किसी तरह की चूक ना हो जाए, तो इसको लेकर भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर चीज सुनिश्चित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बैकफुट पर चल रही है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को ले लो, बेरोजगारी यानी कि महंगाई को अगर आप ले लीजिए, जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है कोरोना काल में, जिस तरह से सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो इन तमाम चीजों और ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें लगातार सरकार घिरती चली आई है, तो इनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक जमीनी स्तर तलाशने की जरूरत है कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें किस तरह से अपने आप को और बेहतर बना के आने वाले 2022 के चुनाव में जीत हासिल करनी है। तो कहीं पश्चिम बंगाल में ओवर कॉन्फिडेंस जिस तरह से गलत पड़ गया था, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी ना हो, तो उसको लेकर बीएल संतोष था तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश आने वाले हैं और वो रिपोर्ट कार्ड लेंगे। वहीं कहीं ना कहीं अगर हम सपा की बात करें तो सपा में भी अब कहीं ना कहीं जातिवाद जो है वो झलकने लग गया है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि 2017 में जो सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, वो कहीं ना कहीं राम नाम से बनाई थी, तो अब क्या कृष्ण नाम पर अखिलेश यादव आगे अपनी राह तय कर रहे हैं? क्या वो भी बीजेपी को पछाड़ने के लिए अब कृष्ण का सहारा लेंगे? क्योंकि जिस तरह से जो गीत आया उसमें यही बात कहा गया है, तो कैंप सॉन्ग में कहा गया कि मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, तो क्या 2022 में बीजेपी को हराने के लिए हिंदुत्व पर लगातार जिसे घेरती आई है सरकार, विपक्ष जिसे घेरते आ रहे हैं, अब हिंदुत्व का ही क्या सहारा ले रहे हैं? तो सूबे के छोटे छोटे दलों से भी दिल लगाएंगे, यानी जिस दल का छोटा सा उसका भी बड़ा नाम इस वक्त हो गया है, जो दल अब छोटे हैं उनका सब बड़ा नाम है, क्योंकि अब छोटे दलों को एक साथ लाने की कवायद शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ज्यादा हलचल है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, ये लगातार मैं बोलती आई हूं कि बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मायने बहुत बदल जाते हैं इन 6 महीनों के दौर में। क्या कुछ बदल जाए किसी को नहीं पता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जो दल आज एक दूसरे से दूर हैं, चुनाव के बाद हो सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो हाथ मिलाने से पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा यह है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। तो जो 6 महीने पहले ही, जो और जग राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां 3 महीने पहले या 2 महीने पहले हलचल शुरू होती है राज्यों में चुनाव की, वहां उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हलचल 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, और सत्ता में आने के लिए लगातार दल बदलने का खेल भी जारी है। तो एक बार फिर बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड में कितना होमवर्क किया गया उसकी तलाश करने, और था तलाशने यानी कि जमीन को तलाशने के लिए बीएल संतोष 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आने वाले हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कौन सी राह पकड़ी है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी प्राइम डिबेट का आगाज करती हूं मैं, और सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त प्राइम डिबेट में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी, साथ ही साथ सपा नेता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी से केसी जैन जी अपना पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले मैं पंकज जी आप पर आती हूं और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि लगातार हम देख रहे हैं कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, ये तो साफ तौर पर उजागर हो जाता है कि जो तमाम चीजें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं था तलाशने की बात जो मैं कह रही हूँ, जमीन तलाशने की, क्योंकि आगे आगामी चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया, 6 महीने भी ज्यादा नहीं होते अगर आप किसी को रिकवरी रेट दिया जाए तो आपको क्या लगता है ये जो लगातार दौरे हो रहे हैं दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली के, इसके क्या मायने निकालेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ 14 साल के बाद पदारूढ़ सत्तासीन हुई है, तो वो किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही सत्ता से केंद्र की सत्ता की ओर रास्ता जाता है, और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से उसकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। और उत्तर प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा राज्य है और भाजपा ने यहाँ पर 300 के ऊपर विधायकों का आंकड़ा पार किया और सत्तासीन हुई, और आज योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार चल रही है, और जिस तरह से आपदा प्रबंधन
सरकार द्वारा किया गया वो सराहनीय रहा, इसमें कोई नहीं, कोई भी सरकार होती जिस तरह से वैश्विक बीमारी आप कोरोना 19 आया, कोविड 19, उसमें जिस तरह से सरकार ने इंतजाम किया उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, मौतों का ग्राफ हुआ लेकिन ये और भयावह हो सकता था, लेकिन सरकार ने अपने जितने संसाधन थे और जितने संसाधनों का प्रयोग हो सकता था उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उसमें सराहनीय काम किया, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर जो इतना ज़्यादा ये जो संगठन के बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं उनका जिस तरह से दौरा हो रहा है तो वो 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हो रहा है, और हमेशा ये जान लीजिए कि एक मतलब एक कड़ी रहता है संगठन और सरकार, दोनों में सामंजस्य होने से ही सरकार का कार्य आगे चलता है, और कार्यकर्ता विधायक होता है, विधायक के बाद वो मंत्री बनता है और जनता जनार्दन होती है, वो सब कुछ है। लेकिन बीएल संतोष को आना पड़ा और उन्हें ये होमवर्क देके जाना पड़ा कि कार्यकर्ताओं जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई उनके घर जाइए, यानी कि क्या पहले विधायक और मंत्री इस चीज से सचेत नहीं थी कि जिन कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी उनकी उनके घर जाना चाहिए, उनको जरूरी मदद देनी चाहिए, क्या बीएल संतोष को आके क्यों बोलना पड़ा इस तरह की बातें? ये तो एक गाइडलाइन है, जो भी शीर्ष नेतृत्व होता है वो गाइडलाइन जारी करता रहता है, ऐसा नहीं है, लोग गए भी हैं, लोगों ने जाके लोगों को मातम पुरसी किया है, ऐसा नहीं है कि लोग सोते रहे, ये इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दूसरी बात आप देखिए कि सवाल ये है कि मतलब आप जैसे ये आता है कि बीजेपी के विधायकों में असंतोष है, तो ये असंतोष अगर है या किसी बात की कमी है तो ये सामंजस्य बैठाने का काम आप प्रदेश अध्यक्ष का होता है, प्रदेश अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्यकर्ताओं से और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करे, सामंजस्य बैठाए और उसको करे। तो ये चीजें होती रही हैं, लेकिन सवाल ये तो देखिए एक तमाम विचारधारा के लोग हैं, तमाम लोग हैं और सबकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं, हर दल में ऐसा होता है, तो ये तो देखिए चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पे, तमाम चीजें फैलाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ हटाए जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं, वो सब चीजों का पटाक्षेप हो गया। और अभी स्वतंत्र देव सिंह ने खुद बयान जारी किया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कि उनके नेतृत्व में ही, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तय मान के चलिए कि ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव 2022 का होगा तो योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो फुल प्रूफ तय हो चुका है, उसके लिए तमाम कयास हुए। और दूसरी बात एक चीज और समझ लीजिए, चाहे मीडिया में हो चाहे जितना भी हो, कोई इस सरकार में जो एक मिनट जो भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, कोई से देखेंगे अगर आप हम उसके नजरिए से बात करते हैं जब चीजों को, तो आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा ना कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दो तरफा बातें आपको भी सामने आ रही होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो दो तरफा बातें सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से सामने आ रही हैं, तो वो दो जो दो फाड़ हो गया है एक तरह से कह लीजिए, तो वो क्यों है? नहीं, देखिए बीजेपी में कोई फाड़ नहीं हो सकता और बीजेपी इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, बीजेपी एक ऐसा दल है चाहे उसके कार्यकर्ता जब पार्टी सत्ता में रहे तो और सत्ता में नहीं रहे तो, वो कहीं जाते नहीं है, दल बदल नहीं करते हैं, किसी प्रकार का वो नहीं करते, वो बहुत कम चंद लोग हैं जो दल बदल करते हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता उसके साथ कैडर बेस्ड पार्टी उसके साथ लगा रहता है। अब रहा सवाल योगी आदित्यनाथ जी की बात, तो योगी आदित्यनाथ एक निहायत ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है, इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगा सकता है, और सीधी सी बात इसीलिए तमाम लोगों की जिनकी अति महत्वाकांक्षाएं हैं उनसे किसी बात पे विरोधाभास हो सकता है, लेकिन ये कहना कि नहीं उनसे किसी बात का विरोधाभास है जिस तरह से वो पूरे जिलों में जा रहे हैं, और जिस तरह से विरोधाभास तो है जी, ये नहीं मानना पड़ेगा विरोधाभास तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं बातों में आप, अगर आप कहीं ना कहीं अलग बातें दो तरफा देखते हैं तो विरोधाभास तो झलकता है, ये तो मानेंगे, चाहे वो मजबूरन आपको कोई चीज मानना पड़े या फिर आप, सबकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं अलग है, हर व्यक्ति की अलग अलग, हर विधायकों के चाहे मंत्रियों की सबकी महत्वाकांक्षाएं अलग होती है, लेकिन मंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने सबको खुली छूट दे रखी है, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कार्य में सक्षम है आप, हर अपने विभाग जो आप संभाल उसमें अपनी क्षमताओं का अनुपालन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, अभी जैसे देखिए अभी बिजली विभाग की बात आई, बिजली विभाग के श्रीकांत शर्मा उसके मंत्री जितने बकायेदार थे सबका लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया। ठीक है विवेक जी, अब आपने अपना नया कैंप सॉन्ग तो सुना ही होगा कि मुरलीधारी कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, तो अब क्या कृष्ण पर आप लोग दाव खेलने लग गए, यानी कि मतलब क्या मतलब है, कृष्ण से तुलना कर रहे हैं अखिलेश यादव की आप लोग? नहीं देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे विषय पे आपने आज डिबेट रखी है,
दूसरी बात, आपको बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात याद दिला दूं, कृष्ण का और समाजवादी पार्टी का रिश्ता, भाई जैसे हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि यादवों की पार्टी है, अब ये तो साहित्य और आप इतिहास देखेंगे अगर भारतीय दर्शन का, तो वो तो कृष्ण का कहीं ना कहीं लगाव और जुड़ाव सीधे हम सभी से है। और मुझे लगता है कि पिछले युग को छोड़ते हुए वर्तमान इस युग के पीछे भगवान कृष्ण का ही अवतरण रहा है, और जब जब दानवों का संहार या पाप को हटाना है धरती से, तो कृष्ण का अवतार होता ही होता है। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं कि 2014 में आपको याद होगा कि हमने एक चंद्रोदय मंदिर भगवान कृष्ण का बनाने की का शुभारंभ किया था, और जिसका भूमि पूजन मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा भी करवाया गया था, ठीक है। अखिलेश यादव जी ने इसका शिलान्यास किया था और 22 तक इसको पूरा करने का निर्माण, इसके पूरा होने की योजना भी हमने बनाई थी। बहरहाल अब इस मंदिर पे इस पे कार्य पे रोक लगी है, मामला कोर्ट में चला गया है, कुछ जिस तरीके से घुमा फिरा करके जो भी, अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था रखना क्या हिंदुत्व के दायरे के बाहर आ जाएगा? भाई हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्र में तो 32 प्रकार के देवी देवताओं का प्रावधान है, आप चाहे जिसमें भी आस्था रखते हैं आप उसके ऊपर समर्पित रहिए। दिक्कत तो राम नाम पर भी थी, तो कृष्ण नाम पर तो सवाल उठेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, राम नाम से हमें ही नहीं कभी, लेकिन हमारा लगाव कृष्ण से अगर है तो इसमें हिंदू धर्म का ही प्रचार हो रहा है ना, तो इसमें हिंदू धर्म पे कुठाराघात का हो रहा है। तो सवाल है किसके मतलब मायने फिर क्या निकाले जाए, कि कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? इसका मतलब मायने आप सीधे सीधे ये निकाल लीजिए कि जब भी अहंकार को और पाप को हटाना होगा तो किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई उनका भक्त इस धरती पे है मौजूद, वो उनका स्वरूप धारण करके आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कोई मॉडल भगवान श्री राम बन के नहीं आ रहा है, ना कोई मॉडल सीता माता बन के आ रही है। हमने सीधे सीधे कहा कि कृष्ण के आदर्शों पे चलने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा नेतृत्व करते और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ही 2022 में अगली सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? आप अपना स्लोगन दीजिए, हम अपना स्लोगन दे रहे हैं। आप फिर आप वो लाइन का तो मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, यानी कि आपने तो तुलना साफ तौर पर इस अपने सॉन्ग के जरिए कर दी कि अखिलेश यादव को आपने कृष्ण बता दिया है। नहीं नहीं देखिए, एक तो अब क्या बीजेपी को हराने के लिए हिंदुत्व का सहारा सपा भी ले रही है? साफ तौर पर हिंदुत्व के सहारे की बात नहीं है, सब हिंदू ही है, वो जितने भी है अखिलेश यादव भी हिंदू ही है, हिंदुत्व पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। नहीं मैं कीर्ति आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी के हिंदुत्व पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो किसी दल और किसी धर्म को बदल करके नहीं आए हैं, वो हिंदू समाज से ही बिलोंग करते हैं। तो पहली बात तो ये जो आलोचना या कटाक्ष करने का या राजनीतिकरण का ये जो प्रयास किया जाता है, इसको इन्हें बंद करना चाहिए, इससे राजनीतिक परंपरा का दुर्भाव पैदा होता है समाज के अंदर, ठीक। और कुठाराघात करने का प्रयास तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप उनकी आइडेंटिटी को चुनौती नहीं दे सकते, वो हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात समझ लेनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 32 कोटि देवताओं की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में की गई है, 32 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसकी वो उस आस्था के अनुसार आते ही देवी देवताओं की याद आ जाती है, मतलब बिल्कुल नहीं, इसका राजनीतिकरण तो भाजपा वाले कर रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं है। अगर गाना किसी ने बना दिया तो आपको गाने वाले को जोड़िए ना, जिसने गाना लिखा है उसको जोड़िए, उससे पूछिए कि उसने क्यों लिखा, उसको क्या दिखाई दिया ऐसा, हमने तो अपने राजनीतिक मंच से इसका राजनीतिकरण किया है। गाना बजाया, ये कैंप सॉन्ग है आपका, क्योंकि सुन लीजिए विवेक जी, आपका कैंप सॉन्ग है, आपके द्वारा बनवाया गया है, सपा के द्वारा, सपा समाजवादी पार्टी के द्वारा बनवाया गया, ये कैंप सॉन्ग है, तो इसके मायने तो कुछ ना कुछ होंगे। चंद्रोदय मंदिर का काम क्या पूरा हो गया? चंद्रोदय मंदिर इस देश का नहीं एशिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बन रहा था, क्या उसका काम पूरा हो गया या उसका काम चलने दिया जा रहा है? ठीक है, चलिए आप जवाब दे दीजिए, हिंदू धर्म की बात करते हैं ये लोग, बोल बोल घुमा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा था, मैं आपको स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ, गाने के मतलब और मायने क्या है, आपने नहीं स्पष्ट किया। भाजपा और मीडिया अब नहीं बताएगी कि किस भगवान का किसका कॉपीराइट होगा, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, कॉपीराइट मीडिया नहीं बता रही है, नहीं विवेक जी देखिए गलत नहीं, गलत नहीं विवेक जी, प्लीज माफ कीजिएगा, ये आप दिखा रहे हैं वो हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कैंप सॉन्ग था वो ये नहीं आया था। देखिए नहीं, आप फिर एक बार सुनिए, मुरलीधारी कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, ये मतलब इसके मायने एक बच्चा तक बता देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं विवेक जी। सुन लीजिए कीर्ति जी, जब आपको लोग मानने वाले या आपने आस्था रखने वाले लोग मैं इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक
थैंक यू की तुलना तो भगवान से कर दी गई थी, योगी की तुलना भगवान से कर दी गई थी, तो क्या भगवान से क्या? नहीं बिल्कुल, क्या बात कर रही हैं आप? विवेक जी मैंने कहा बोला आप कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन राम नाम पर जो आप बिफर जाते थे और आप लोग ये कहते थे नहीं, कि हम कभी बिफरे नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, आप जहां मुद्दे को ले जाना चाह रही हैं मैं बता दे रहा हूं, राम नाम पे हमारी कोई आपत्ति कभी नहीं थी, लेकिन बात अगर कानून व्यवस्था की आएगी तो आप मुझे बताइए भाजपा वाले सत्ता में होते तो क्या करते। ठीक है विवेक जी, चलिए ठीक है। केसी जैन जी मैं आप पर आती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हालांकि आप मुस्कुरा रहे थे मंद मंद बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि उस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या थी, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी जो एके शर्मा को लगातार बात हो रही थी कि बड़ा पद दिया जाएगा उनको, डेप्यूटी सीएम पद दिया जा सकता है, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, इसके पीछे की राजनीति भी जरा समझा दीजिएगा। देखिए कीर्ति जी, पहली बात तो ये है कि पार्टी की तरफ से मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि इनको पार्टी में डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है। हाँ, राजनीतिक गलियारों से कयास लगाए गए और मीडिया जगत ने इसको तमाम चीजों को इनको दिखाया, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी अधिकृत बयान ऐसा नहीं आया कि एके शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। अभी रस्तोगी जी ने, आदरणीय रस्तोगी जी ने जवाब भी दिया कि तो नहीं आया था, ये भी मैं भी कह रही हूँ केसी जैन जी, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर भी तो आ रही थी कि बड़ा पद दिया जा सकता है उनको, महत्वपूर्ण पद से सराहा जा सकता है। देखिए जी जी, देखिए पार्टी में संगठन में जैसा कि अभी रस्तोगी जी ने भी बताया कि संगठन अलग चीज है और सरकार अलग चीज है। बिल्कुल, संगठन और सरकार में तादात्म्य स्थापित करने के लिए ही संगठन मंत्री होता है और सरकार अलग चीज है, तो ऐसे में दोनों में तारतम्य रहे, जो भाजपा का संगठन है पूरा और जो सरकार है हमारी, उसके बीच में एक तारतम्य रहे पदाधिकारियों के बीच में, इसलिए वो काम होता है। तो एके शर्मा जी जो हो रहा था कि वो उनका बड़ा पद मिलेगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी में राजनीति केवल संवैधानिक पद ही नहीं है, अगर पार्टी में बड़ा पद मिलता है उसका भी बहुत बड़ा सम्मान है। अगर उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया तो उनका बहुत बड़ा सम्मान है, प्रदेश उपाध्यक्ष तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये आप जो वहां तक पहुंचे हैं कार्यकर्ता तो बेलने पड़ते हैं, लेकिन अच्छे से बताएंगे, लेकिन संगठन को मजबूत करने की आप कोशिश की जा रही है, इसीलिए एके अरविंद कुमार जी को उनको आपने संगठन में जगह दी है। देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए मैं बताऊं आपको, बीएल संतोष जी, आदरणीय बीएल संतोष जी केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, और संगठन मंत्री इसीलिए बनाया जाता है, वो केंद्र में हैं, तो प्रदेशों में अगर चुनाव हो रहे हैं तो प्रदेशों में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, केंद्रीय संगठन मंत्री का क्या काम रह जाएगा, तो प्रदेश के अंदर भी तारतम्य केंद्र के साथ बनाना, लेकिन और साथ ही साथ सरकार और संगठन के बीच तारतम्य बनाना, प्रदेश में जाएंगे तो ये तो मान लिया ना आपने कि प्रदेश में चुनाव है इसलिए प्रदेश में जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हाँ उसमें कोई दो राय नहीं, बीएल संतोष जी, आदरणीय बीएल संतोष जी यहाँ पे अगर मीटिंगें कर रहे हैं तो पूरे संगठन की नजर है उत्तर प्रदेश के अगले साल होने वाले 2022 में होने वाले चुनाव को, और इसके लिए ही कि कौन किस पद पे होगा, कौन कमान संभालेगा, किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा, किसको मुख्य चेहरा बनाया जाएगा, कौन कैसे कहाँ पे लड़ेगा, कौन टिकट बांटेगा, किन किन क्षेत्रों के टिकट की जिम्मेदारी कौन कौन लेगा, किस तरीके से जो विधायक है उनकी रिपोर्ट कैसे मंगाई जाएगी, इन सारी चीजों पे चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी भी हो रही है, इसमें कोई दोरा नहीं। लेकिन अभी आपने जो सवाल किया था हमारे समाजवादी पार्टी साथी से और उन्होंने जो जवाब दिया तो उन्होंने दोहरा जवाब दिया, एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ वो भगवान चरणों हो गए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जिन्होंने इस गाने को बनाया उनसे आप जाकर के पूछिए, फिर वो ये भी कहते हैं कि संहार करने के लिए आ रहे। अरे संहार किसका करने के लिए आ रहे, क्या भगवान कृष्ण कभी राम भक्तों का संहार करते थे? मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक लाते गंगा में तैरी है, क्या उतार है मुझे तो नहीं दिखाई दिया कभी, मुझे नहीं दिखाई दिया कि हिंदू सबों को कभी दफनाया गया है ना, मुझे नहीं दिखाई दिया कि राम नामी झंडे को कभी किसी ने कफन को चुरा करके बेचा हो। विवेक जी इंटरप्ट कर लीजिएगा आप नेक्स्ट बार में, लेकिन पहले मुझे बोल देने दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। कीर्ति जी देखिए, जो लोग राम भक्तों पे गोली चलवाते थे अब आज वो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी जनेऊ दिखा दिखा करके बता रहे हैं कि हम असली पंडित हैं, हम असली हिंदू हैं,
वैसे ही सीजन जी आपको तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना, आपको तो तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, आप तो हिंदुत्व लेकर ही आगे बढ़े, आपको तो तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। स्वागत है। अरे कब से कब चुनाव के टाइम पे हिंदुत्व की याद तो आई, जो लोग रोजा पार्टी करते रहे और कभी लोग आते नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है विवेक जी और केसी जैन जी, ठीक है मैं दिलीप जी पर जाना चाहूंगी, ठीक है केसी जैन जी, लेकिन रोजा अवतार पार्टी, लेकिन अपने संगठन और सरकार पर याद तो आई, ठीक है केसी जैन जी, संगठन और सरकार पर भी नजर डालिए, हिंदुत्व को याद तो उनकी आई, क्यों याद आई, इसीलिए याद आई ना, ठीक है केसी जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी ये क्या चल रहा है, ये सब एक तरफ कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं, क्लेश आ रहे हैं, ठीक है केसी जैन जी मैं दिलीप जी से प्रश्न कर रही हूँ प्लीज, ये एक तो एक सॉन्ग आता है कैंप सॉन्ग है, सोशल मीडिया पर आपने सुना ही होगा समाजवादी पार्टी का, कि मुरलीधारी कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, जरा इसका भी मतलब बता दीजिए, क्योंकि जिस नजरिए से हम देख रहे हैं उसमें तो साफ तौर पर अखिलेश जी की तुलना कृष्ण जी से कर दी गई है, और दूसरी तरफ बीएल संतोष का ये बार बार जो दौरा है, और स्वतंत्र देव सिंह जाते हैं दिल्ली, फिर दिल्ली से बीएल संतोष जी आ रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड लेने की जरूरत पड़ रही है, रिपोर्ट कार्ड लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। कीर्ति जी शर्म की बात ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अगर धर्म की राजनीति छोड़ के राजनीति का धर्म अपना लें तो इस देश का कल्याण हो जाए, लेकिन ये होता नहीं है। अब आप धर्म का धर्म की राजनीति किस तरीके से होती है, एक ही भगवान के अवतार हैं परशुराम जी, भगवान राम और भगवान कृष्ण, सपा वाले उनको यादव बताते हैं, भगवान कृष्ण को राम जी को लोग क्षत्रिय बताते हैं, परशुराम को लोग पंडित बताते हैं, एक ही भगवान के अवतार को लोगों ने अपने फायदे के लिए अलग अलग जातियों में बांट दी। और सबसे बड़ी बात है कि 1947 के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो संविधान ने ये कहा कि ये देश धर्म निरपेक्ष देश, और धर्म निरपेक्षता इस देश के संविधान का मूल ढांचा है, इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दो नहीं कई बार इसको एस्टेब्लिश किया है, और केशवानंद भारती के केस में ये तक जजमेंट दे दिया था कि सरकार संसद को कुछ भी बदलने की पावर है लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ करने की पावर संसद को नहीं है। और जो लोग सत्ता में है खासकर उनको तो धर्म निरपेक्षता के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए, और यहाँ सत्ता का मतलब सिर्फ वोट नहीं जो सरकार चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं वो भी सत्ताधारी हैं, और जो सरकार में रह चुके हैं वो भी सत्ताधारी हैं, और जो सरकार में आना चाहते हैं वो भी सत्ताधारी हैं, यानी कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको तो धर्म विशेष की बात करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, धर्म निरपेक्षता इस देश का मूल आधार है और यही संविधान का धर्म है, यही मानवता का धर्म है, लेकिन ये मानवता का धर्म न कोई अपनाता है, और यहाँ जनता की भी गलती है, जनता भी इन्हीं भावनाओं में बहना चाहती है, जनता भी जातिगत बात करना चाहती है, इस देश में जो ये यादववाद का गाना बना करके कृष्ण जी का सपा चला रही है, ये पता है कि ओबीसी 40% है इस प्रदेश के अंदर, और उस 40% में सबसे ज्यादा ओबीसी यादव कैटेगरी के हैं, लगभग 15%, और यादव वोट ज्यादातर समाजवादी पार्टी को जाता है ये भी पता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो धर्म निरपेक्षता की बात करती है और यादव बता करके वो अपना चुनाव प्रचार करेगी तो मुसलमान वोटों का क्या होगा, क्योंकि मुसलमान वोट भाजपा का नहीं है, सब जानते हैं मुसलमान वोट या तो कांग्रेस को जाता है या सपा को जाता है, लेकिन सपा अगर एक तरफा बात करना शुरू कर देगी तो हिंदू हो सकता है रीझ जाए, 15% यादव हो सकता है रीझ जाए, लेकिन इनके मुसलमान वोटर इनसे नाराज हो जाए और वो चले जाएंगे कांग्रेस को, तो इनका क्या होगा, जो ये अभी सबसे बड़े स्ट्रांग ऑपोजिशन बनकर उभर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चला जाएगा इनका। तो ये लोग जो धर्म की राजनीति करने लगते हैं और राजनीति का धर्म छोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ा मानवता पे कुठाराघात है इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ। और रही बात कि बीएल संतोष जी कार्ड ले रहे हैं प्रदेश में सारी चीजें निर्धारित कर रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कीर्ति जी, जब भी देखिए जब हम रूटीन लाइफ जीते हैं तो हम जैसे तैसे चला करते हैं, लेकिन जब घर में त्योहार आता है या घर में शादी ब्याह होता है या घर में कोई बड़ा ओकेजन होता है तो हम लोग चीजों को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। तो राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव सबसे बड़ा त्योहार है, और जब चुनाव आता है खासकर वो पार्टी जो सत्ता में है तो उसको अपने लोगों का रिपोर्ट कार्ड लेना पड़ता है, लेकिन मजे की बात या दुख की बात ये है कि जनता सही से राजनीतिक पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड नहीं लेती है,
अगर सही रिपोर्ट कार्ड जनता लेना शुरू कर देगी तो कोई राजनीतिक पार्टी बचाता है कि जनता वोट किस आधार पर देती है। जनता को जरूरी ये सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि जब वो वोट देने जा रही हो तो वो कार्यों पर वोट देना कि धर्म के नाम पर, क्योंकि हम इस चीज में गलती ज्यादा से ज्यादा जनता की भी निकालते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म मोहमाया में फंस कर जो जनता वोट दे देती है वो भी गलत है। कीर्ति जी ये जनता की गलती आज की डेट में है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये जनता की गलती या जनता को ये गलती करने पर जो शुरुआती सरकारें थी उन्होंने मजबूर किया, क्योंकि 1947 के बाद जब हमको जनतंत्र बनाया गया इस देश में और हमको ये एस्टेब्लिश किया गया संविधान में कि वोट हमारी पावर है और वोट देने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे बड़ा ताकतवर है, ये कानून में एस्टेब्लिश तो कर दिया गया लेकिन किसी जनता को ये बताया नहीं गया। सिर्फ इतना बताया गया कि वोट देना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, आप वोट दे आइए और उसके बाद 5 साल इंतजार करिए, घर में बैठे रहिए। तो जनता ने जब शुरुआत में लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं था और राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ जनता को ये समझाया कि देखिए राजा चले गए हैं, अब एक देश का राज्य चलाने के लिए एक राजा को चुनना है, उस राजा को चुनने के लिए आपको वोट देना है, आप वोट देंगे तो सरकार चलेगी, तो भोली भाली जनता को कुछ नहीं पता था कि वोट देने से क्या होगा और हमारे वोट की पावर क्या है। और मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान में शुरुआती तौर पर बहुत सारी गलतियां भी हैं, इस बात को हो सकता है लोगों को बुरा लगे लेकिन गलतियां हैं, क्योंकि अगर संविधान में वोट देना मेरी जिम्मेदारी फिक्स की गई है तो जिम्मेदारी के साथ मुझे अधिकार क्या दिए गए हैं? अगर मैंने किसी नेता को चुन लिया 5 साल के लिए और वो नेता, वो विधायक, वो मंत्री 5 साल मेरा कोई काम नहीं करता तो मैं 5 साल उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये बेवकूफी की बात है, ये मुझे बेवकूफ बनाया गया है कि वोट देना मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है, मुझे बेवकूफ बनाया गया। मैं एक बार अपना अधिकार का इस्तेमाल कर लेता हूँ उसके बाद मेरे पास क्या अधिकार है? मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, तो संविधान में कहीं परिवर्तन होना चाहिए। जब चुनाव की बारी आती है तो कई तरह की बातें करने लग जाते हैं, कई तरह के वादे किए जाते हैं, जिस तरह से एक बार फिर शुरू हो गया है, 6 महीने बचे हैं तो अब जनता की भी याद आएगी और अब कल्याण की भी बातें होंगी और गांव-गांव जाकर अब ये प्रयास किया जाएगा हर किसी को वो तमाम मूलभूत सुविधाएं मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। लेकिन इसके पहले वो 4.5 साल पता नहीं जनता कहां चली जाती है और कोई सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। कीर्ति जी, मैं यहाँ आपकी बात को रोकूंगा। बिल्कुल केसी जी, आप ही जवाब देंगे। केसी जान जी, जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उन जनता को मिलता है जो जनता लालच के नाम पे वोट देती है कि राशन बटेगा फ्री में, 1000 रुपया महीना आएगा तुम्हारे खाते में, और 60% से लेके 80% जनता आज भी गांव के एरिया में रहती है और वहां पर शिक्षा का डेवलपमेंट सरकारें इसीलिए नहीं करती हैं। मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये दोष सारी सरकारों के ऊपर है, ये इल्जाम सारी सरकारों के ऊपर है। हर सरकार जनता को फ्री दे करके उनको पराधीनता की आदत डालती है, उनको नौकर बनाती है, उनको स्वाधीन बनाने की, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कभी नहीं करती है और ये काम सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लालच में होता है। फ्री बिजली का भी एक वादा, नया नारा चल गया है आम आदमी पार्टी का, अब तो वो भी दिल्ली मॉडल पर लखनऊ पे आकर ये सोच रही कि फ्री बिजली और उसके नारे से हम आगे जीत हासिल करेंगे। कैसे जैन जी जवाब दीजिए। बहुत पुराना है ये मॉडल, इन्होंने असम में चुराया ले जाकर के, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोस के वो लोग जाकर के भाजपा ने असम में यही मॉडल लागू किया। जी हम जरा विवेक जी एक बार पूछ ले, क्योंकि सत्ता में विराजमान वही हैं तो 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है देना भी उन्हीं को है कि 5 सालों में उन्होंने क्या किया। ये जरूर पूछिएगा कि असम में यही मॉडल लागू क्यों किया, बिजली वाला, बिजली और पानी असम में मुफ्त क्यों थी आम आदमी पार्टी की। कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार या अन्य प्रदेशों की सरकार, हम जनता के बीच में मुद्दों के आधार पर जाते हैं, जाति और धर्म की राजनीति हम नहीं करते। लेकिन जो लोग रोजा इफ्तार की पार्टियां करते रहे सरकारी पैसे से, ये कौन सा धर्म निरपेक्ष है? ये बता रहे हैं हम धर्म निरपेक्षता पे चल रहे हैं। केसी जैन जी, आपने अच्छा एक बात सुनी होगी, करते रहे धर्म की राजनीति ना करते हुए दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात स्टार्टिंग में ही बोली थी कि धर्म की राजनीति नहीं, अब राजनीति को धर्म मान लीजिए तो शायद भला हो जाए, नहीं पार हो जाए। वही देखिए कीर्ति जी, वही चीज छूट देते रहे की हम भगवान राम के ही अवतार कृष्ण की बात कर रहे हैं और अपने आप को कृष्ण बना करके पेश कर रहे हैं। अरे भगवान राम, भगवान कृष्ण सब हिंदू धर्म के ही हैं, सबका हम लोग सम्मान करते हैं, सबकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अब याद क्यों आई उनको भगवान कृष्ण की? याद कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूँ। अरे कौन कह रहा है आप हिंदू नहीं है? लेकिन हिंदू तो वाला आपने आज तक कोई काम तो किया होता, आप तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाते रहे, ठीक है, और जो वैक्सीन थी, जातीय समीकरण साधने की कोशिश जिस तरह से बीजेपी में इस दौर में चल रही है ना, वो सबको दिखाई पड़ रहा है। केसी जैन जी प्लीज,
जी विवेक जी, अब आप भाजपा की वैक्सीन बता देना, ये भाजपा की वैक्सीन बता देना, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी सांप्रदायिकता आ गई थी? वैक्सीन पे तो बिल्कुल, वो तो वैक्सीन की बात आप छोड़िए ना, पहले सरकार और संगठन को संभाल लीजिए। ठीक विवेक जी, सरकार जी केसी जैन जी, मैंने सुन लिया, मैं आप पर आऊंगी, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, मैं विवेक जी से जवाब ले लूं एक बार, विवेक जी जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ये भी स्पष्ट कर लीजिएगा कि ओबीसी और ब्राह्मण वोट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं लग रहा है यूपी में। केसी जैन जी, मैं आप पर आऊंगी। जी विवेक जी बोलिए, विवेक जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है विवेक जी नहीं है। पंकज जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, तो एक बार फिर से चाहे वो बसपा हो, बसपा की बात तो नहीं करेंगे माफ कीजिएगा, लेकिन बीजेपी हो सपा हो, इसमें ये साफ तौर पर झलक रहा है कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अब हम देख पा रहे हैं, वहीं आपको क्या लगता है, जिस तरह से कहीं ना कहीं दिलीप जी ने कहा कि अब धर्म को राजनीति नहीं, राजनीति को धर्म का मानना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए कीर्ति जी, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी है वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, और ये हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व के ही एजेंडे पर शुरू से चलती रही है, और अयोध्या, काशी और मथुरा ये इसका मुख्य एजेंडा रहा, और इसी पे चलती रही, और आज ये तो रहा है, रहा या नहीं उसी पे ही कार्य करते हुए आज दो विधान लोकसभा सीटों से आज 300 के ऊपर सीटें आज संसद में है, और दो दो बार सत्तासीन हुई, तो ये तो हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और उसका प्रमुख रूप से वो एजेंडा है, उसी पे वो चलती रही है, इसीलिए चलती रहेगी, इसीलिए देखिए नहीं उसका एक, ये हिंदुस्तान में सर्वाधिक आबादी हिंदुओं की है, उसमें चाहे किसी भी जाति के हो, तो उसमें सवाल इस बात की है, उन्होंने इस बात का नारा दिया कि सभी लोग हिंदू हैं, सभी लोग हिंदू हैं, और इस बात के नारे पे चलते हुए सबका साथ सबका विकास, देखिए नहीं जैसे संविधान क्या जैसे ये कहता है कि एक ही जाति को लेकर हम आगे चलते हैं, एक जाति नहीं, आप ये समझिए कुर्मी, कोयरी, अग्रवाल, वैश्य, जो भी है, छत्री, ब्राह्मण, सबको उन्होंने ये नारा दिया कि सभी हिंदू हैं, और इस नारे पे चलते हुए उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई, और अभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और इन स्टेटों पे उनकी सत्तासीन सत्ता चल रही है, तो ये नारा चलाते हुए बीजेपी एक हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण वाली पार्टी है, उसने उसको चलाया, उसने के मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, साफ इनकार कर दिया कि अल्पसंख्यकों को हम टिकट नहीं देते हैं, मुस्लिम समुदाय को आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो, चाहे और किसी स्टेट में देख लीजिए, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं मुझे आपको वो टिकट नहीं देते, क्यों? उनको मालूम है कि हमको अल्पसंख्यक वर्ग आप वोट नहीं करेगा, इसीलिए वो वोट नहीं करते हैं, और अन्य जो क्षेत्रीय दल है या अन्य जो दल है, राष्ट्रीय दल भी है, वो धर्म निरपेक्षता के नाम पे या जो भी एक नारा कह लीजिए उसके नाम पे तमाम लोगों को साधने की कोशिश करते हैं, और उसमें आपको का लेकिन कितना सही लगता है कि लगातार जो जातीय समीकरण साधने की बात होती है, या फिर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एजेंडे पर जिस पे चले हैं जातिवाद के, क्या वो सही है कि 2022 में भी मतलब कि बीजेपी एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी? हमने आपसे पहले कह दिया, बीजेपी का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास सबका साथ, तो बीजेपी का ये जो नारा है, और सभी हिंदू है मतलब सभी लोग हिंदू हैं, किसी जाति के हो आप, तो ये जो नारा बीजेपी ने दिया है उसका बड़ा असर पड़ा है, और उसी के असर का नतीजा है कि लोग जाति के नाम पे नहीं बटे, इसीलिए देखिए चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो, और चाहे 2017 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को इसका भरपूर फायदा मिला, और इसी एजेंडे पर बीजेपी कार्य कर रही है, और इसी एजेंडे पर कार्य कर रही है, वो सीधी सी बात, और रहा सवाल अयोध्या, मथुरा, काशी, तो वो उसका मुख्य एजेंडा रहा है, और उसी पे चलते हुए आज देखिए 492 सालों के बाद जिस तरह से ये इस कार्यक्रम का, इसका अयोध्या के मुद्दे का पड़ाक्षेप हुआ, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा, ये प्रयास का ही फल है कि आज वो एक उस समस्या का हल हो गया, जिस तरह से, और नहीं जिस तरह से क्या नाम इनकी 5-5 सरकारें, चुनी हुई सरकारें बर्खास्त हुई 1992 में, अयोध्या की मस्जिद टूटने के बाद, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 5-5 सरकारें बर्खास्त हुई, तो ये भी समझ लीजिए, तो ये बीजेपी का एक मुद्दा रहा है, बीजेपी उस मुद्दे को छोड़ नहीं सकती है, और बीजेपी ने साफ कर रखा है सभी लोग हिंदू हैं, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या कुर्मी, कोयरी, कोई भी जाति हो, सब लोग हिंदू हैं, इस नारे का अनुसरण करते हुए ही बीजेपी आगे चल रही है, और आगे भी देखिए 2022 में भी इस तरह से आगे चल रही है, सीधी सी बात, वो एक जाति विशेष को लेकर नहीं चल रही है, और इसका अनुसरण सारे दलों को भी करना पड़ेगा, सारे दल भी अगर इसका अनुसरण करेंगे तभी सत्ता पे आगे बढ़ पाएंगे। जी विवेक जी जवाब दीजिएगा, आपका संपर्क टूट गया था,
सवाल मैंने आपसे किया था कि क्या आपको लगता है, जिस तरह से आप जवाब देना चाह रहे थे आप जवाब दीजिएगा, साथ ही साथ जिस तरह से कहीं ना कहीं बसपा के जो तमाम बागी विधायक हैं उनके साथ लगातार सपा का संपर्क बना हुआ है, ऐसा क्यों है, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहती एक बात बता दूं, आज एक गाना आया, जैसे जो आपने कहा कि कृष्ण का नाम लेकर के अखिलेश जी का नाम जोड़ा गया और उसके बाद ये हंगामा पूरी तरह से शुरू हो चुका है। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा बिना इंटरप्ट के, मुझे एक मिनट का समय दीजिए या उससे भी समय दीजिएगा, सुन लीजिए। लेकिन पीएम मोदी को भगवान कृष्ण और अमित शाह को अर्जुन से रजनीकांत जी ने मिशन कश्मीर के समय पहले ही कंपेयर कर दिया था। महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता जो है कांग्रेस इसके भाजपा के सॉरी आपके अवधूत वाघ, इन्होंने 11वां विष्णु का अवतार बताया था मोदी जी को, ठीक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीएम मोदी को भगवान का अवतार बता ही चुके हैं। अमर सिंह ने कृष्ण का अवतार पीएम मोदी को पहले ही बता दिया था। हिमाचल प्रदेश के सुरेश भारद्वाज जी ने शिव जी के अवतार से मोदी जी को कंपेयर किया था। तो मेरा ये कहना है, अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये भटका रहे थे या भ्रमित कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है भाई। आपके फॉलोअर्स या आपके मंत्री जब करे तो वो वाही वाही और राजनीतिक रूप से सब जायज है, और अगर विपक्ष का कोई किसी का फॉलोअर या किसी मंत्री में अपना विश्वास जताने वाला कोई गालियों की चार पंक्तियां लिख दे तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है भाई। भगवान क्या भगवान श्री राम अवतरित होकर के क्या बोल के गए थे क्या, कि समस्या कोई नहीं है, समस्या कोई नहीं है। सवाल मेरा सिर्फ यही है कि जिस बीजेपी ने हिंदुत्व के पिच पर खेल कर, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं, ये पांच देश भूल जाता है लेकिन राम मंदिर के एजेंडे में केवल और केवल सबसे ज्यादा योगदान शिवसेना ने दिया था, जिस शिवसेना को भी बीजेपी ने धोखा दिया है। आप इनका एफिडेविट उठा के देख लीजिए, मैं वो सब बातें मान रही हूँ विवेक जी, मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, कोई हाथ नहीं था क्या, बात करेंगे आप विवेक जी, मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप हिंदुत्व के पिच पर ही अब क्या बीजेपी को घेरने की कवायद कर रहे हैं, सिर्फ मेरा ये याद आ रही है। गोलियां किसने चलवाई थी ये भी बता दीजिए ना, कभी भी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं थी ना हिंदुत्व की ठेकेदार थी, गोलियां किसने चलवाई थी, हिंदुओं के ठेकेदार आप हो की बात अगर आप करेंगे तो अयोध्या प्रकरण में सबसे ज्यादा योगदान शिवसेना ने दिया था। ये रोजगार पार्टी का तो बोलिए ऐसे कभी उठा ले दीजिए ना, जो फाइल किए गए इनके भाजपा की तरफ से, इनकी बात कोई तो पार्टी भी नहीं थी उसमें, और पाला साहब ठाकरे ने ताकि की चोट पे कोर्ट भी इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ नक्सली तो लोगों ने जाए थे सिर्फ क्या बात करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, दूसरे के लिए काम का श्रेय लेते हैं कि हम जैसे जी विवेक जी से एक बार उत्तर ले लो, उसके मैं आप पर ही आ रही हूँ जी विवेक जी, कंप्लीट करिए। मैं वही कह रहा हूँ कि दूसरे के कामों का श्रेय लेकर के केवल वाहवाही करने का एजेंडा साथ रखा है, क्यों नहीं शिवसेना के लोगों को आपने न्याय समिति में रखा, क्यों नहीं आपने शिवसेना के लोगों को बुलाया बाकायदा मंच पे, जिसे शिलान्यास कर रही थी, रीलॉन्चिंग प्रोग्राम कर रहे थे, शिवसेना ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, शिवसेना का सबसे ज्यादा बलिदान जिसको इन्होंने समय के साथ भुला दिया। ये कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदुत्व के दम पे इनको शिवसेना का ऑक्सीजन वेंटिलेटर मिला था, उस शिवसेना को ये किसी के नहीं सके हैं, मुख्यमंत्री थे ये सब आप ना बताइए, ये सब जनता जानती है। नहीं नहीं क्यों नहीं बता रहे, आप ये बताइए प्लीज, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग को समय दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, मैं बोल रही हूँ केसी जैन जी को, ठीक है आपने अपनी बात कंप्लीट कर दिया, ठीक है केसी जैन जी, अब आप जो आपको जवाब देना होगा वो आप दे दीजिएगा, बिल्कुल अब आप बोलिए आपको क्या जवाब देना था। देखिए कीर्ति जी जी, ये शिवसेना की बात कर रहे हैं कि शिवसेना इनके साथ थी, ये याद दिला रहे हैं कल्याण सिंह जी इनके साथ थे, ये याद दिला रहे हैं आडवाणी जी इनके साथ थे, ये याद दिला रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ में पहले शिवसेना का योगदान याद करिए, लोग पिछले 92 में जो मस्जिद थी उनपे जो ढांचा ढाया गया उनपे मुकदमा किन लोगों पे चला ये भी जनता ने देखा, तो आप ये मत बताइए हमारे साथ कौन था कौन नहीं था। चलिए अच्छा कैसी जान जी, अच्छा ये सब बातों को दरकिनार करिए ना, ये सब बातों को हटाइए किनारे, अच्छा ये बताइए कि 2022 के चुनाव में क्या दोबारा से एजेंडा वही राम मंदिर ही रहेगा। नहीं नहीं देखिए हम विकास के एजेंडे को पहले लेकर के आए, पहले तो सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेकर के आए। विवेक जी आप कराओगे प्लीज, विवेक जी के करके अगर सब बोले तो प्लीज समझ में आएगा जी। कैसी जैन जी बोलिए जी। जी देखिए कीर्ति जी, हम सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेके आए और जनता ने हमको सिर माथे बैठाया,
और जो अभी आदरणीय यही है केसी जैन जी, जिस जनता ने सबका साथ सबका विकास को ये मूलभूत माना था कि हाँ बीजेपी विकास करेगी, विकास नहीं हो पाया ना, दिक्कत तो यही है, नाराजगी तो है ना। नहीं, कहाँ विकास नहीं हुआ, कितने गांव में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, बेरोजगारी दर, कितने जिलों में लाइट आती, बेरोजगारी दर, कितने घंटे लाइट आती है, शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं हो पाई थी, एयरपोर्ट बन रहे हैं, 10 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौकरियों की भर्ती अभी तक लंबित पड़ी हुई है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो गया है, 5 केसी जैन जी नौकरियां लंबित पड़ी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दर कितनी बढ़ गई है, लंबे कोरोना काल में जिस तरह से लोगों लोग मुसीबतों का सामना करा, जिस तरह से लोगों ने, कीर्ति जी देखिए, कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में महंगाई दर भी उतना ही बढ़ती जा रही है। और देखिए देखिए कीर्ति जी, महंगाई का सबसे बड़ा कारण यही कोरोना ही है, क्योंकि बाहर से जो चीजें आयात होती थी जिनका उत्पादन हमारे पास कम है, हम आज महंगाई पर नहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि चर्चा तो उत्तर प्रदेश की चुनाव की हो रही है, तो हम कभी और महंगाई पर भी आपसे इस पर भी हम आपसे ले लेंगे कि कोरोना की वजह से आई या लगातार जिस तरह से बढ़ते जा रहे उसकी वजह से आ रही है, कि कहीं ना कहीं कम करने की सरकार की ये जिम्मेदारी होती है, हालांकि कम नहीं कर पा रही है। ठीक है, मुद्दे स्पष्ट कर लीजिए, अपने 2022 के चुनाव नजदीक है। दिलीप जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है केसी जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप जी मैं आपसे जाना चाहूंगी, एके शर्मा को लगातार ये कहा जा रहा था कि बड़ा पद दिया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाने तक की बात आ रही थी कि उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन सरकार में मंत्रिमंडल में उनको ना जोड़कर उनको संगठन में जोड़ा गया है, संगठन हालांकि बहुत अहम मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लगातार ये जो सवाल उठ रहे थे कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसको लेकर ही संगठन को मजबूत करने की कवायद के चलते एके शर्मा को कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? कीर्ति जी देखिए, एके शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाया जाना था और उपाध्यक्ष बना दिया गया, ये भाजपा का इंटरनल मैटर है, इट इज नथिंग टू डू विद पब्लिक। जहां तक बात आती है संगठन की और सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सरकार से ज्यादा संगठन मजबूत होता है और संगठन ही पीछे से सरकार चलाता है, ये सत्य है, बाकी किसी पार्टी में ऐसा नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे जिसकी कोई भी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, किसी पार्टी में ऐसा नहीं, लेकिन भाजपा में जो संगठन है वो सरकार से ज्यादा मजबूत होता है और उस संगठन में एक रीढ़ की हड्डी का काम आरएसएस करती है, ये जग जाहिर है। तो किस तरीके से संगठन और सरकार में समन्वय बैठेगा, ये इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन इस इंटरनल मैटर में पब्लिक का भला नहीं होता है, ये मैं जरूर कहूंगा। ये इंटरनल मैटर में जो सामंजस्य बैठाला जाता है वो इसलिए बैठाला जाता है कि संगठन के लोग सरकार से जो नाराज हैं, जिनका अपना व्यक्तिगत हित नहीं पूरा हो पा रहा है, उनको कैसे व्यक्तिगत हित देकर के उनको साधा जाए, चूंकि ये 2022 का इलेक्शन आने वाला है, 2022 के बाद 2024 बहुत दूर नहीं है और दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से ही जाता है, सबसे ज्यादा सांसद की सीटें यहीं से निकलती हैं। तो वो लोग जो संगठन के लोग हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो कहीं पदों पर बैठे थे जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें केसी जैन साहब भी हैं, इनको कहीं कोई पद नहीं मिला या किसी को कहीं कोई पद नहीं मिला, तो आप उनको पद दे करके संगठन को मजबूत किया जाएगा, संगठन मजबूत हो जाएगा तो सरकार अपने आप बनने के कगार पर आ जाएगी, क्योंकि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन के आदमी को नहीं साधा जाएगा, तो वो पब्लिक में सरकार के कसीदे कैसे पढ़ेगा, सरकार के कसीदे नहीं पड़ेगा तो जनता लुभावत कैसे होगी, लुभान्वित नहीं होगी तो सरकार को जनता वोट कैसे देगी। तो इनके यहाँ संगठन की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि संगठन जो है, सरकार जो है वो संगठन के पैरों पे ही खड़ी होती है। और अरविंद कुमार ने जिस तरह से वाराणसी में जिस मॉडल पर अच्छा काम किया है उसको देखते हुए, तो कहीं ना कहीं संगठन मजबूत हो भी जाए, क्या पता। नहीं, संगठन तो इनके यहाँ प्रायोरिटी है, इनके यहाँ संगठन ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सरकार। बिल्कुल पंकज जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार बसपा से तमाम विधायक टूट के, मंत्री टूट के सपा में जाने की जो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लगातार बातें जो है वो चल रही हैं, अरविंद चौधरी ने भी अभी बीएसपी से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो क्या लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हैं, क्या इनके अंदर मजबूती नहीं है सपा में खुद में, कि जो दूसरी पार्टी से, बसपा जिनके साथ गठबंधन था, तो अपने सहयोगी की पार्टी से टूट कर जो लोग आ रहे हैं उनको शामिल कर रहे हैं या कर लेंगे? देखिए कीर्ति जी, एक बात समझ लीजिए, अभी विधानसभा चुनाव आसन्न है, तो अभी तमाम दलों से, और जिनको ये अंदेशा हो जाएगा, जिन विधायकों को कि जो हमको वहाँ टिकट नहीं प्राप्त होगा, तो वो तमाम लोग दल बदल का काम करेंगे। और मायावती जी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी
महिला है और उन्होंने बसपा को बहुत सजोने का और बहुत अपने मेहनत से उसको खड़ा किया है और वो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और इसीलिए उन्होंने देखा कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में तमाम चीज़ें हुई उनके दल के लोगों के द्वारा, लालजी वर्मा जो सदन के नेता थे बसपा के, वो पार्टी विरोधी गति में लिप्त पाए गए। रामाचल राजभर जो पूर्व परिवहन मंत्री थे और उत्तर प्रदेश बसपा के अध्यक्ष थे, इनके क्रियाकलापों को देखते हुए इन्होंने उसको निष्कासित कर दिया, क्योंकि मायावती जी जानती है, मायावती जी नेता बनाना जानती है, मायावती जी का एक अपनी फाइंडिंग है, अपनी फाइंडिंग है, ये सपा का, देखिए समाजवादी पार्टी एक चिंतनशील पार्टी है, ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी इन चीजों को नफा नुकसान देख के चल रही है कि अगर उनके आने से मेरे दल में क्या फायदा हो सकता है, क्या चीजों का लाभ हो सकता है, और ये आगे आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है कि नहीं देती है। अभी उनको संगठन में खड़ा करती है, जितने विधायक आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है भाई, आपने अगर कार्य अच्छे किए होते तो आप पार्टी से क्यों नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का नाम बड़ा हो गया है। एक चीज और समझ लीजिए कि क्यों आप अपने दल से 9 विधायक आज निष्कासित हो गए और लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तय मान के चलिए कि उनकी वहां पर फाइंडिंग, उनकी वहां चीजें अच्छी नहीं थी, तभी मायावती ने उनको निष्कासित किया, नहीं तो मायावती जी वहां किसी को निष्कासन करने का काम नहीं करती हैं। और कई बार मायावती जी ने मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया में यह बयान भी दिया कि समाजवादी पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ने का काम न करे, उनको मिलाने का काम न करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी में भी हम बगावत करा देंगे, ये कई बार उन्होंने स्टेटमेंट। लास्ट कमेंट विवेक जी, ये चीज अखिलेश यादव जी को भी बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, आगे आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस पर निर्णय करना चाहिए। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बसपा से टूट जो हो रही है वो भी की जा रही है और आप शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो अंबिका चौधरी से भी संपर्क की बात सामने आ रही है, तो और कितने दलों के साथ आप संपर्क में हैं, एक बार फिर से मेरा यही सवाल है कि कितने दलों से आप संपर्क में हैं इस वक्त, क्योंकि लगातार यही अखिलेश यादव की तरफ से बयान आ रहा है कि छोटे दलों के साथ जाएंगे, क्योंकि बड़े दल का तो स्वाद वो चख चुके हैं। किसी की बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात पूछता हूँ, आज जो विधायक टूट करके अगर भाजपा में जा रहे होते तो आज हम लोग का विषय क्या होता जी? अखिलेश जी, आज अगर यही विधायक टूट करके भाजपा का ज्वाइन कर रहे होते तो शायद आज डिबेट का विषय कुछ और होता, तो आज भी प्रश्न यही पूछा जा रहा होता विवेक जी, आज उनसे भी यही प्रश्न पूछा जा रहा होता, जितिन प्रसाद के उनके आने पे पार्टी में उनसे भी प्रश्न किए गए थे। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी जरूर है, लेकिन भाजपा को सरकार बनाने के लिए हमेशा इंपोर्ट कर करके विधायकों को खरीद फरोख्त करते हुए लाना पड़ता है, ये आप कई राज्यों में देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं, वर्तमान पैनल पे जितने लोग बैठे हैं सबके सामने ये खुला मंच है, तो सबके सामने ये बात भी जग जाएगी। और रही बात समाजवादी पार्टी, शामिल तो करना हो रहा है ना, सवाल तो वही है, समाजवादी पार्टी के पास विकास से जुड़े कार्यों की बहुत लंबी फहरिस्त है, सरकारी संस्थाओं की जिस तरह आर्थिक रूप से कमर तोड़ रखी है नियमों के अनुसार उसको दुरुस्त करना है। और सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं, आपने कहा था रोजगार 41,520 पुलिस भर्ती, 49,000 पीएससी भर्ती, 32,022 शिक्षक भर्ती, 2486 दरोगा एक साल का प्रशिक्षण लेके घर बैठे, 12,460 शिक्षक भर्ती पेंडिंग, 7,000 शिक्षक भर्ती पेंडिंग, छोड़ लीजिए 7,000 शिक्षक भर्ती पेंडिंग, इतनी तो केवल मुझे पता है, लेकिन अंबिका चौधरी की बात हो रही थी तो उन्हीं के बेटे आनंद को आपने जिला पंचायत चुनाव में सदस्य बनाया, तो कहीं ना कहीं इसलिए सवाल पूछना जरूरी इसलिए हो जाता है कि क्यों ये टूट की जा रही है या खुद से हो रही है, सवाल यहाँ उठता है विवेक जी। देखिए मुझे लगता है कि इसका बखूबी जवाब आप क्यों ना ऐसा करते हैं, जो मैं मंच पे बैठ जाऊंगा केसी जैन जी आ जाए और जो विधायक छोड़ के आ रहे हैं उनमें से किसी को बिठा लीजिए भाई, वो अपनी बात ज्यादा बखूबी तरीके से रख पाएंगे भाई, विधायक अगर कोई है, देखिए ये तो राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है कि कोई अगर किसी दल से निकलता है तो उसी दल में जाता है, नरेश अग्रवाल जी चला तो जाना नहीं पार्टी में, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार में इस समय। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली का दौरा लगातार चल रहा है, वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व के क्या रास्ते पे चल पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से अब कृष्ण को कहीं ना कहीं आधारशिला माना जा रहा है सपा में, तो क्या अब हिंदुवाद से ही बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति दिलचस्प है, लगातार कोई ना कोई नया मोड़ आता रहेगा और लगातार हम ऐसे ही सवाल करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल करना जरूरी हो जाता है। लेकिन इन सबके इतर मैं ये चीज आप तमाम जनता से कहना चाहूंगी कि आप भी अपने आप को ये सुनिश्चित करें कि आप वोट अपनी किसी नेता को किस आधार पर देंगे, जातिवाद के आधार पर देना चाहते हैं या फिर आप उनके कार्यों के आधार पर देते हैं कि उन्होंने
में आपके उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया है, आपके लिए कितना कार्य किया है, आपको कितनी नौकरियां दिलाई हैं, वो कोई भी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि 2022 के चुनाव में आप किसको जीत का भागीदार बनाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।